नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की EV टू व्हीलर इंडस्ट्री का फ्रेंचाइजी लेके आया हूं, जिसका फ्रेंचाइजी लेके आप इलेक्ट्रिक स्कूटी का या बाइक्स का जो है आप शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस कंपनी का नाम है टेको इलेक्ट्रा। टेको इलेक्ट्रा जो कंपनी है वो इंडिया की इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है महाराष्ट्र के पुणे में है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है अभी ईवी व्हीकल को जो है प्रमोट करने में लगी हुई है। अभी जो है आपको बहुत सारे सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है आपको दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी कस्टमर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी परचेस करता है, उस इलेक्ट्रिक बाइक में जो है किसी प्रकार का कोई भी पेट्रोल आपको डलाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आपको लेने की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार का आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ जो है आपको अपने ईवी व्हीकल का आपको इंश्योरेंस कराना है, उसके बाद जो है आप अपने ईवी व्हीकल को जो है आप रोड पर चला सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है ईवी व्हीकल को प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्लान यहाँ पर लेके आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंडिया में जितने भी 69,000 पेट्रोल पंप है, हर एक पेट्रोल पंप पे जो है एक ईवी स्टेशन जो है सेटअप करेगी। उसके बाद जो भी जीएसटी रेट व्हीकल पे लगता था 12%, उसको रिड्यूस करके जो है 5% कर दिया जाएगा ईवी व्हीकल पे। देन उसको यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप ईवी व्हीकल लोन पे परचेस करते हैं तो आपका उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट लगता है तो आप 1.5 लाख का जो इंटरेस्ट है आप जो है उसमें रिबेट ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है ईवी व्हीकल पे 100% व्हीकल टैक्स जो है वेव अप कर रही है। उसके बाद आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि जो अमेजन जो कंपनी है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए भी जो है ईवी व्हीकल यूज़ करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सारे ईवी व्हीकल यूज़ करिए, तो आने वाला जो समय है वो पूरा ई मोबिलिटी का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सारे बेनिफिट जो है कस्टमर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं कि वो ईवी व्हीकल परचेस करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आने वाला जो समय है वो पूरा ईवी व्हीकल का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के सोच रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेको इलेक्ट्रा जो कंपनी है अपने बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहती है और अभी ये जो कंपनी है आप लोगों को डीलरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी का शोरूम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का आप डीलरशिप लेके आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कितने नंबर ऑफ मैन पावर रखने पड़ेंगे और इसके लिए जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दे। यहाँ पे देख रहे हैं टेको इलेक्ट्रा के कुछ वैरायटी ऑफ ई बाइक्स यहाँ पे हैं, जैसे कि इमर्ज ई बाइक आता है, रेप्टर है, नियो है, साथी है। यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ इमर्ज की देखें तो रेंज जो है इसका 100+ किलोमीटर जो है एक चार्ज में आपका चलने वाला है और चार्जिंग जो टाइम है वो 3 से 4 घंटा है। इसमें जो बैटरी लगी है वो 60 वोल्ट की लगी हुई है और जो इसमें मोटर है वो BLDC मोटर लगा हुआ है। अगर ऐसे हम लोग साथी का देखें तो यहाँ पर साथी का देख रहे हैं 65 किलोमीटर पर चार्ज में ये चलेगी, 2.5 से 3 घंटा में जो है ये पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगी। देन उसके बाद इसमें जो बैटरी लगा हुआ 48 वोल्ट का लगा हुआ है। फ्रेंड, जब आप कंपनी का डीलरशिप लेंगे और इनिशियल स्टॉक जब परचेस करेंगे तो आपको यही सारे स्टॉक जो है आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो है टेको इलेक्ट्रा का जो है अपकमिंग बाइक्स भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है टेको इलेक्ट्रा का अपकमिंग ई बाइक्स है, रेपिडो और वेलोसिटी। उसके बाद जो है ये X3 बाइक भी जो है आने वाली है। तो फ्रेंड, जब भी टेको इलेक्ट्रा इस बाइक को लॉन्च करेंगे तब आपको जो है ये स्टॉक में जो है आपको ऐड करके आपको देने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं जो भी एप्लीकेंट टेको इलेक्ट्रा का डीलरशिप लेना चाहता है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ जो पहला रिक्वायरमेंट है उसको 1500 स्क्वायर फीट का जो है शोरूम एरिया चाहिए, उसको 250 स्क्वायर फीट का जो है सर्विस एरिया रिक्वायरमेंट रहेगा, रिसेप्शन एरिया, उसके बाद जो है बड़ा सा LED TV भी जो है आपको अपने शोरूम में लगाना पड़ेगा, इंटीरियर और साइनेज बोर्ड जो है कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन बना के आपको देगी। उसके बाद जो है आपको मेन पावर कितना रिक्वायरमेंट रहेगा वो मैंने दिखाया कि आपके शोरूम के लिए से मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपको एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, एक टेक्नीशियन रखना पड़ेगा और एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। आप इस 4 मेन पावर में जो है आप अपने शोरूम और सर्विस सेंटर को आप रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपको कितना मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा आपको अपने डीलरशिप के लिए। यहाँ पे आपको हर एक महीना जो है 30,000 का जो है आपको मार्केटिंग का बजट लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर ऐड हुआ, होर्डिंग हुआ, रोड शो एक्टिविटी हुआ, एक्सपो पार्टिसिपेशन हुआ, टेस्ट ड्राइव हुआ। टेस्ट ड्राइव भी जो है यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटी में काउंट होता है। उसके बाद बहुत जगह पे जो है आपको इवेंट्स कराने पड़ेंगे, जैसे कि स्कूल कॉलेज हुआ, कमर्शियल एरिया हुआ, रेजिडेंशियल एरिया हुआ। अगर आप ये सारे जगह पे इवेंट्स कराएंगे तो लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस जो है इंक्रीज होगा ईवी व्हीकल को लेके।
तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये सारे मार्केटिंग के एक्टिविटी जो है आपके शोरूम के रेवेन्यू को बढ़ाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 25 से 30 लाख रुपए आपको लगने वाला है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी करता है कि आप किस लोकेशन पे आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप लेके शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है कंपनी से जो है आपको इनिशियली स्टॉक परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी जो है आपको इनिशियली 30 नंबर ऑफ ई बाइक जो है आपको स्टॉक में प्रोवाइड करती है। ये भी जो है कंपनी देखती है कि आपके एरिया में कितना डिमांड है ई बाइक का, उसके हिसाब से ही यहाँ पे इनिशियल स्टॉक कंपनी डिसाइड करके आपको बताती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 नंबर ऑफ ई बाइक आप इनिशियल स्टॉक परचेस करेंगे तो उसका जो बिलिंग है आपको 21 से 22 लाख रुपया आपको आने वाला है। उसके बाद जो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है कंपनी से जो है आपको यहाँ पे मेंटेनेंस पार्ट यानी कि स्पेयर पार्ट को 2 लाख का जो है आपको ई बाइक का मेंटेनेंस पार्ट आपको यहाँ पे कंपनी से लेना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका तीसरा इन्वेस्टमेंट है आपका जो भी शोरूम रहेगा उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क करने में आपको आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 25 से 30 लाख के बीच में आने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप वैसे जगह पे ओपन करना चाहते हैं शोरूम जहाँ पे ई बाइक का डिमांड कम है तो कंपनी जो है क्या करती है आपको जो इनिशियल स्टॉक है आपको कम प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका कम लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन या किस एरिया पे आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप लेके शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप लेके शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी है आपको पर बाइक पे जो है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ मैंने ये भी कैलकुलेट करके दिखाया कि आपको पर मंथ का आपके शोरूम से नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपके शोरूम का पर मंथ का मंथली एक्सपेंस दिखाया है। मैंने यहाँ पे 2 तरह के एक्सपेंस आपको दिखाया है। पहला, अगर आपका शोरूम आपके खुद के एरिया में बना है तो उसके लिए जो है आपको कोई रेंट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। दूसरा, मैंने दिखाया कि अगर आपने शोरूम का एरिया अगर रेंट पे लिया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 40,000 का पर मंथ का रेंट का यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देख रहे कि उसके बाद जो आपका मंथली एक्सपेंस है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिसलिनियस एक्सपेंस में आएगा, जिसमें आपको 2,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप मेन पावर रखेंगे उसका जो सैलरी देने में आपको 48,000 रुपये महीने का आपको लगेगा। उसके बाद आपको हर एक महीना एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे 30,000 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को काउंट करेंगे तो आपका 80,000 रुपये यहाँ पर मंथ मंथली एक्सपेंस आने वाला है। अगर आपका शोरूम रेंटल है तो उसके हिसाब से आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको 1,20,000 रुपये आने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंसीडर किया है कि आपके शोरूम से पर मंथ का कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि टेको इलेक्ट्रा कंपनी के बहुत सारे वेरिएंट के यहाँ पे ई बाइक्स आते हैं, जैसे कि नियो हुआ, रैप्टर हुआ, इमर्ज हुआ, साथी हुआ। तो अगर आप अपने शोरूम से एक महीना में अगर 10 नंबर ऑफ नियो ई बाइक्स अगर सेल करते हैं तो उस पर कंपनी जो है आपको 4,000 का कमीशन देती है। अगर आप रैप्टर 60 वोल्ट का अगर आप 20 नंबर ई बाइक सेल करते हैं तो उस पर जो है आपको 7,000 का कमीशन देती है। उसके बाद अगर आप इमर्ज 20 नंबर सेल करते हैं तो उस पर आपको 6,000 का कमीशन देती है। उसके बाद आप साथी ई बाइक 10 नंबर ऑफ सेल करते हैं तो उस पर आपको 6,000 का कमीशन देती है। अगर आप ये सारे सेल्स रेवेन्यू का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो टोटल पर मंथ है 3,60,000 का सेल्स रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। उसके बाद और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट कंपनी की तरफ से आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे देख रहे जो पहला बेनिफिट्स है, आपको पता होगा कि जब आप न्यू बाइक कोई खरीदने जाते हैं वहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा जो है 5,000 का जो है एसेसरीज आपको लगाया जाता है। तो यहाँ पे ई बाइक में जो है 3,000 का एसेसरीज जो है आपको एक्स्ट्रा लगाया जाता है जब आप ई बाइक परचेस करने जाएंगे। तो यहाँ पे जो डीलर का जो प्राइस है वो 1,250 रुपये लगता है, तो यहाँ पे जो है आप कस्टमर को 3,000 में उसको सेल करते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका अर्निंग है पर मंथ का 1,05,000 रुपये आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे और भी एडिशनल बेनिफिट है, अगर आप कंपनी से इनिशियली 24 प्लस ई बाइक्स ऑर्डर करते हैं तो आपको इंस्टेंट जो है 20,000 का जो है आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप इनिशियली 40 नंबर ऑफ ई बाइक का जो है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी में तो आपको 42,000 रुपीज़ का जो है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप एडिशनल जो अर्निंग है 42,000 रुपीज़ का आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है क्वार्टरली इंसेंटिव स्कीम जो है चलाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी ऑफ ई बाइक पे जो है आपको अलग अलग यहाँ पे कमीशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सारे जो है आपका एक्स्ट्रा कमीशन है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे अगर नेट प्रॉफिट पर मंथ का आप शोरूम का कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो शोरूम का पर मंथ का जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 4,00,000
50,240 रुपये यहाँ पे आपका आने वाला है। अगर आपके शोरूम का एरिया रेंटेड है तो उस केस में जो है आपका पर मंथ का जो नेट प्रॉफिट है वो 410,240 रुपये आएगा। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन का एक्स्ट्रा शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको टेको इलेक्ट्रा कंपनी का डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको इस पेज पे आ जाना है, मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अपना फुल नेम फिल करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे स्टेट, उसके बाद यहाँ पे सिटी मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डीलरशिप ऑफ द टेको इलेक्ट्रा कंपनी। उसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के डाटाबेस में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है कंपनी की तरफ से जो है आपको विद इन ए वीक जो है आपको कॉल आएगा और आपको सारी जानकारी जो है टेको इलेक्ट्रा के डीलरशिप के बारे में आपको दी जाएगी। फ्रेंड्स उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तभी कंपनी जो है आपका प्रोसेस जो है आगे की ओर लेके जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों कंपनी की तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं किया जाता है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली जो है कंपनी का नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल करके जो है आप कंपनी से अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पे पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको टेको इलेक्ट्रा कंपनी का अगर डीलरशिप लेके अगर ई बाइक्स का शोरूम या सर्विस सेंटर ओपन करना है तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।